गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम प्रोज का लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक, लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक पढ़ेंगे। तो ये आपके प्रोज का सेकंड लेसन है, ये दो पार्ट में है। हम पहला पार्ट आज पढ़ेंगे। इसके राइटर हैं देवरा चावली। 1806 में इनका बर्थ है और 1849 में इनकी डेथ हुई है। तो ये आपका लेसन का नाम है, ये राइटर है और आपका ये इंग्लिश का लेसन है। तो अबाउट द ऑथर, देवरा चावली वॉज बॉर्न इन इंडिया इन 1806, 1806 में पैदा हुए थे। ग्रो अप इन टोरंटो, कनाडा टोरंटो में ये बड़ी हुई ये लेडी राइटर है। शी वॉज ग्रेजुएट इन इंग्लिश फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न Ontario and moved to Ottawa for a job with the United Service Committee. तो ये अथर हैं और ये के ट्रेवलर थी, मतलब इन्हें घूमने फिरने का भी शौक था काफ़ी, और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लोगों के बारे में ज़्यादा अपने मतलब राय अपने लेखनी में लिखती थी। अबाउट द चैप्टर है, द चैप्टर इज़ अबाउट द गर्ल एल्विन हु वॉज प्रोफाउंडली डेफ। She was 11 years old when it was discovered that she had the hearing disabilities. She wanted to pursue her career in music, but her teacher discouraged her. It was Ron Forbes who recognized her potential and supported her in achieving her goal. He advised her not to listen through the ear, but try to sense and feel in the some other way. तो ये बेटा एक लड़की है 11 साल की, एल्विन, उसके बारे में लिखा गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये लड़की क्या है बेटा, प्रोफाउंडली डेफ, मतलब कि वो सुन नहीं सकती है वो लड़की, और उसकी ये जो सुनने की शक्ति है, उसके हियरिंग जो सुनने की शक्ति है, वो धीरे धीरे गई है। बचपन में कुछ सुनता था उसको, धीरे धीरे बड़ी होती गई तो वो जो उसकी श्रवण शक्ति थी, सुनने की शक्ति थी, वो बिल्कुल ही गायब होती गई है। तो इसका म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था, ना सुनने के बावजूद भी, जो कि ये सुनती नहीं थी, उसके बावजूद भी ये अपनी जो म्यूज़िक के प्रति ये इसके इंटरेस्ट था, म्यूज़िक के प्रति, म्यूज़िक में अपना आगे करियर बनाना चाहती थी और उसको आगे बढ़ाना चाहती थी कि मैं म्यूज़िक करूँगी। इसकी इस एबिलिटी को एक तबला वादक थे उन्होंने इसको पहचाना, रोन फॉब्स ये थे, इन्होंने पहचाना इसकी एबिलिटी को कि ये कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि तुम कान से नहीं सुन सकती तो कान से मत सुनो, सेंस ऑर्गन्स और भी सेंस ऑर्गन्स है, आप महसूस करो उसको। तो ये इसी को, यही चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। इस लड़की के बारे में बताया गया है कैसे वो डेफ होते हुए भी, डिसेबिलिटी थी, कैसे इतनी समस्या प्रॉब्लम होते हुए भी वो आगे बढ़ी और म्यूज़िक की दुनिया में उसने अपना अलग ही पहचान बनाई है। तो हम चलते हैं चैप्टर में। एल्विन ग्लेनी लिसन टू द साउंड विदाउट हियरिंग, पार्ट वन। Rushed our crowd, jostled for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. So, ek beta, iski umar, ये जो है लड़की है, इसकी उम्र हो गई, एल्विन ग्लेनी की उम्र इस समय 17 साल हो गई है। तो एक दिन वो क्या है, 17 साल हो गई है तो इसका जो सिलेक्शन है लंदन के एक प्रतिष्ठित म्यूजिक स्कूल में होता है सिलेक्शन वहाँ पर। तो ये वहाँ जाने के लिए पहले दिन निकली है और ये ट्रेन के माध्यम से वहाँ पहुँचना चाह रही है, जा रही है। तो ये एक स्टेशन पे खड़ी है। रस्ट आवर क्राउड जॉस्टल क्या होता है, धक्का मुक्की। जैसे ट्रेन आने वाली होती है, जब पता चलता है ट्रेन आने वाली है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उसके बाद धक्का मुक्की करने लगते हैं, ये आगे चढ़ते हैं, पीछे चढ़ते हैं, काफ़ी धक्का मुक्की रश हो जाता है। तो वैसे ही धक्का मुक्की हो रही है और वो लड़की खड़ी हुई है, ये सब चीज़ें देख रही है, उसको सुनता तो है नहीं, सिर्फ देख के और महसूस कर रही है। वो दुबली पतली सी लड़की है, वो 17 ईयर 17 साल की है और थोड़ी सी नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है।
नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है. क्यों? क्योंकि उसका पहला दिन है म्यूजिक स्कूल में, उसे समय पे पहुंचना है. एक्साइटेड इसलिए है क्योंकि वो उसकी इच्छा थी कि मेरा इसी म्यूजिक स्कूल में एडमिशन हो. ठीक है, तो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली होती है तो वो लड़की उसकी वाइब्रेशन महसूस कर रही है, उस ट्रेन आके आने की वाइब्रेशन महसूस कर रही है कि शायद ट्रेन आ रही है. क्योंकि ट्रेन आने से पहले देखो वाइब्रेट होता है, और इसके पास एक स्पेशल मतलब स्पेशल इसके पास पावर है कि जो ये वाइब्रेशन के थ्रू सेंस ऑर्गन्स के थ्रू अपने आप को सेंस ऑर्गन के थ्रू ये चीज़ों को पहचान सकती है. ठीक है, डाउनिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फ्रेम, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. तो ये है कि वो जाती है म्यूजिक स्कूल में, पहुंचना चाहती है. एक साधारण ये म्यूजिशियंस के लिए बहुत ही प्राउडफुली होता है, पर ये प्रोफाउंडली मतलब ये डेफ है, इसको सुनाई नहीं देता है, फिर भी उसका सिलेक्शन हुआ है. तो आगे चलते हैं, इंस्पायरिंग होता है इच्छुक इच्छा, और डाउंटिंग होता है बेटा फ्राइटनेड भय भी, डरी हुई भी है ये. एल्विन ग्लेन लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन अ ग्रेडुअल हर मदर रिमेंबर नोटिस्ड समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन शी 8 years ओल्ड. एल्विन वॉज वेटिंग टू प्ले एंड द पियानो, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव. आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड शेज इजाबेल ग्लेनी. फॉर क्वाइट ए वाइल एल्विन मैनेज्ड टू conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11 her marks has detected and her headmistress urged her parents to take her to the specialist. तो इस पैरे में क्या बताया गया बेटा, एल्विन ग्लेनी है, उसने अपना खोया उस सुनने की शक्ति को ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे क्रमिक मतलब धीरे धीरे. छोटे 5 साल की थी तो थोड़ी सी शक्ति उसकी गई, 10 साल की हुई तो सुनने में और उसे कम सुनाई देने लगा, धीरे धीरे करते करते 11 साल तक इसकी श्रवण शक्ति सुनने की शक्ति गायब हो गई पूरी तरह. पर क्या था, ये जो एल्विन ग्लेनी थी ये नहीं चाहती थी कि मेरी इस कमजोरी के बारे में लोगों को पता चले, मेरी न सुनने की जो बात है ये लोगों को पता चले, टीचर्स को पता चले कि उसके फ्रेंड्स को पता चले. पर बेटा जब वो सुन ही नहीं सकती थी तो उसके क्लास में जो उसका परफॉर्मेंस था वो लो पड़ने लगा, पढ़ाई में वो थोड़ा सा पीछे होने लगी. क्यों? जब नहीं सुन सकती थी तो उसको समझ नहीं आता था, और उसके पास अभी इतना उसने प्रैक्टिस नहीं किया था, समझने की कोशिश नहीं किया था कि जो अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू वो समझ सकती. तो उसके जो मार्क्स थे, उसके ग्रेड थे, वो नीचे गिरने लगे. तो उसकी हेडमिस्ट्रेस थी उसकी प्रिंसिपल थी, उन्होंने इसके मम्मी पापा को बुलाया और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की, कंसील होता है बेटा कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फॉर फ्रेंड, मतलब कंसील होता है छिपाना अपने फ्रेंड से, कंसील मतलब ग्रोइंग डेफनेस ऑफ हिज, कि अपनी जो बहरे होती जा रही थी, जो सुनने की शक्ति कम होती जा रही थी, उसको अपने दोस्तों से वो छिपाना चाहती थी. ठीक है, और फिर इसे हेड मिस्ट्रेस ने क्या बोला इनके पेरेंट्स से, अर्ज पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पायर्ड एंड अ रिजल्ट ऑफ ग्रेडुअल नर्व डैमेज. दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ. एवरीथिंग सडनली लुक बैक सेज एल्विन. तो इस हेडमिस्ट्रेस थी, जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने बुलाया उनके पेरेंट्स को और उनको बोला कि जो एल्विन ग्लेनी है इसकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, या जो भी कारण है इसके मार्क्स इसके रिजल्ट का नीचे गिरने का, डिटेक्ट होने का, इसका जो परफॉर्मेंस है वो क्लास में दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, तो इसके लिए आप इसको एक स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर, इसको किसी डॉक्टर के पास दिखाइए. और वो जो भी बताते हैं कि कोई मशीन बताते हैं उसके कान में लगाने के लिए, सुनने के लिए, जो भी बताते हैं उसको आप कीजिए या फिर इसको वैसे स्कूल में डालिए जहाँ इस तरह के बच्चे पढ़ते हैं, जो आँखों से
देख नहीं सकते, जो कानों से सुन नहीं सकते, वैसे बच्चों के लिए अलग से स्कूल होता है, या फिर उसको उस स्कूल में डालिए जो ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। सब अचानक ही सब परेशान हो गए और सब अचानक ही एल्विन ग्लेनी को देखने लगे। तो आगे का है, बट एल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग द ज़ाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, बट प्रिक्यूशनिस्ट रोन फॉस स्पॉटेड हर पोटेंशियल। ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। तो एक दिन क्या, पर ये जो एल्विन ग्लेनी थी बेटा, वो अपने गिव अप नहीं करना चाहती थी, हार नहीं मानना चाहती थी कि अगर मैं डिसेबल हूँ, मैं सुन नहीं सकती, तो मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपनी इसी कमजोरी को ताकत बना के आगे बढ़ूंगी। तो शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड नॉर्मल लाइफ, वो अपने आप को कोशिश करने लगी, मेहनत करने लगी कि मैं एक नॉर्मल लाइफ ही जीऊंगी, मैं किसी के ऊपर अपनी कमजोरी को हावी नहीं होने दूंगी या किसी और को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी कि मैं सुन नहीं सकती। मैं एक होता है ना, बेचारी बन के नहीं बैठ सकती कि मैं तो सुन ही नहीं सकती तो मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं, उसने ऐसे नहीं सोचा, उसने अपनी लाइफ को लीड करने के लिए आगे इनकरेज, मतलब बहुत ही मेहनत और हिम्मत से बढ़ी कि मैं नॉर्मल लाइफ जीऊंगी, मैं एक ये लाइफ नहीं जी सकती कि लोग मुझे बोले कि ये सुन नहीं सकती, इसने कुछ किया नहीं, मैं कुछ करूँगी और अपने म्यूज़िक में मैं अपना आगे बढ़ना चाहूँगी। उसका इंटरेस्ट क्या था, म्यूज़िक में इंटरेस्ट था उसका, तो म्यूज़िक वाला जो इंटरेस्ट है मैं उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो क्या था, नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू, परस्यू क्या होता है बेटा, परस्यू आगे बढ़ाना, जो उसका इंटरेस्ट था म्यूज़िक का उसी में वो आगे बढ़ना चाहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसने नोटिस किया, वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन, उसने नोटिस किया कि एक छोटी सी लड़की एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है जल तरंग जिसे बोलते हैं, वो बजा रही थी लड़की, ठीक है, उसने और मतलब नोटिस किया, क्या उसने देखा, तो हो सकता है उसे कुछ कंपन या वाइब्रेट हुआ हो, उसको कुछ महसूस हुआ हो, तो उसने ये सोचा, एल्विन ग्लेनी ने सोचा कि अब मैं अपना जो मेरा ये मेरे आगे का जो करियर है, मैं इसी म्यूज़िक में अपना करियर बनाऊंगी, इसी म्यूज़िक में आगे बढ़ूंगी, मैं भी म्यूज़िक के क्षेत्र में, म्यूज़िक के फील्ड में कुछ करना चाह रही हूँ। तो उसने कोशिश शुरू की, बहुत सारे टीचर्स थे या लोगों ने उसको इनकरेज किया, सॉरी उसको डिस्करेज किया, करना किसी का मोरल डाउन करना, किसी को ये याद दिलाना कि तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है, एकदम इग्नोर कर देना कि तुम म्यूज़िक तुम्हारे लिए नहीं बना है क्योंकि तुम सुन नहीं सकती, म्यूज़िक तुम्हारे लिए नहीं बना है क्योंकि तुम देख नहीं सकती, लोगों ने उसको डिस्करेज किया। पर एक तबला वादक थे, रॉन फोर्ब्स तबला वादक थे, उन्होंने इसकी एबिलिटी, योग्यता, एबिलिटी होती है योग्यता को पहचाना, और उन्होंने अपने तबले पे तरह तरह के नोट्स, तरह तरह के धुन बजाई और उसको फॉलो करने को बोला कि तुम इसको फॉलो करो, देखो कि मैं क्या बजाता हूँ क्या नहीं, और इसको पहचानने की कोशिश करो, नहीं सुन सकती हो तुम तो आप और भी सेंस ऑर्गन्स हैं, उसकी वाइब्रेट हो रही वाइब्रेशंस हैं, तुम उससे इसको पहचानने की कोशिश करो। डोंट लिसन थ्रॉट योर ईयर्स, ही सेज, रॉन फोर्ब्स सेज, डोंट listen throughout your ears, he would say, try to sense it some other way, say Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise and soon Elvin discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. Sheer होता है बेटा pure. Sheer का इसमें meaning है pure. प्योर विशुद्ध शीर का मीनिंग है। तो इसने क्या, जो उनके तबला वादक थे रॉन फोर्ब्स ने क्या बोला कि अपने कानों से मत सुनो, जब आपको नहीं सुनाई दे रहा है तो कानों से सुनने की कोशिश ना करो, इसको अपने और सेंस ऑर्गन से, हाथ पैर या जो भी हैं जहां वाइब्रेशन आपको महसूस हो रही है, उस चीज़ से म्यूज़िक को पहचानने की कोशिश करो। और उन्होंने वही एक्सरसाइज बार बार मतलब दोहराई, जो अपने ड्रम में वो नोट्स या म्यूज़िक बजाते थे उन्होंने बार बार वो बजाया, तो एल्विन ग्लेनी को महसूस हुआ कि उसके पैरों में वो वाइब्रेशन महसूस हो रही है, पैरों से लेके अपर तक उसके वाइब्रेशन आ रही है, तो उसको ये चीज़ें महसूस हो रही हैं। तो एल्विन ग्लेनी जल्दी ही म्यूज़िक की जो वाइब्रेशन थी उनसे म्यूज़िक को पहचानने लगी, जब वाइब्रेट होता था तो उसको ये लग जाता था कि कहीं म्यूज़िक बज रहा है, ठीक है।
तो she never looked back from that point onward. She turned the United Kingdom with the youth orchestra and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from the orchestral work to also performance. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. She never looked back. तो वो कभी भी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं सुन नहीं सकती, कि मैं बैठ जाऊँगी. उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा. उसने फिर वो बेटा उस क्या किया कि वो यूनाइटेड किंगडम यूथ मतलब ऑर्केस्ट्रा समझ रहे हो, अपनी ही उम्र के लोगों के साथ ऑर्केस्ट्रा के एक ग्रुप में वो यूनाइटेड किंगडम गई और वहाँ पर उस टाइम वो 16 साल की थी. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बनाएगी, अपना करियर म्यूज़िक में ही आगे बढ़ाएगी. उसने रॉयल एकेडमी ऑफ किंगडम, बेटा एक जाना माना प्रतिष्ठित स्कूल है वहाँ म्यूज़िक का, उसमें ऑडिशन दिया और उसके हिस्ट्री में, उस म्यूज़िक स्कूल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा उसके मार्क्स आए थे और उसका वहाँ सिलेक्शन हो गया, उसका वहाँ चयन हो गया. तो उसने अपना ऑर्केस्ट्रल जो था, ऑर्केस्ट्रल थो उसको, उस टीम को नहीं छोड़ा और अपने परफॉर्मेंस को वो और ज़्यादा अच्छा निखारने की कोशिश करने लगी. ठीक है. ऑन द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड. जो वहाँ उसने 3 साल का कोर्स किया, जो म्यूज़िक यूनाइटेड किंगडम में जो म्यूज़िक स्कूल था उसमें 3 साल का कोर्स किया और उसने बहुत सारे अवार्ड जीते. एंड फॉर ऑल दिस एल्विन वॉज नॉट एक्सेप्टेड एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. एंड सी गॉट राइट टू द टॉप एंड वर्ड्स मोस्ट आउट आफ्टर मल्टी प्रिक्योशनिस्ट विद अ मिस्ट्री ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. तो क्या हुआ एल्विन का, एल्विन को जो भी उसने अवार्ड जीते या जो भी उसने किया उसका कभी उसको घमंड नहीं हुआ, कभी उसने अपने आप को गर्व महसूस नहीं कराया कि ठीक है अभी तो ये शुरुआत है. और उसका ये भी कहना था कि चाहे जितनी भी डिसेबिलिटी हो आप में, पर आपको अगर ये पता है कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, आपकी कौन सा करियर आपको चुनना है, आप किस में काम करना चाहते हो, अगर उससे मेहनत करो तो आप वो कर सकते हो. ठीक है. तो उसने क्या किया बेटा, वो तबला भी बजाती थी. तबले में भी 1000 से ज़्यादा वो इंस्ट्रूमेंट बजाने में उसने महारत हासिल की, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी. इट इज़ टू वॉच एल्विन फंक्शन टू एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. व्हेन मैन विद बिजी ब्रेड गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आई. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक ऑफ जापानीज. तो बेटा इनको जो एल्विन ग्लेनी थी, इसको स्कॉटिश भाषा इतना रट गया था, मतलब इसने स्कॉटिश भाषा में एकदम फ्लोलेस मतलब बड़ी आसानी से ये बोल सकती थी. और ये लोगों को अगर इसका इंटरव्यू हो रहा है या जो भी है लोगों से ये बात कर रही है आमने सामने बैठ के, तो ये सुनती नहीं थी. उनके फेस एक्सप्रेशन, उनके लिप्स के जो मूवमेंट होते थे उससे ये इसको पता चल जाता था कि अगला क्या बोल रहा है और उसके हर एक चीज़ का जवाब देती थी बिना स्किप किए, बिना मिस किए. ठीक है. और ये जापानीज भी सीख रही थी. As for music, she explained, it pours in thought every part of my body, it tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By learning against the drums and she can feel the resonance falling into her body. On the wooden platform, she removes her shoes so that she vibration पास थ्रॉट हर बेयर फीट अप हर लेग. तो बेटा ये
इन्होंने अपने आप को मतलब बताया कि ये कैसे, इट इज़ प्योर टू थॉट एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि मैं म्यूज़िक को कैसे महसूस करती हूँ। तो कहती है मेरे हाथ पैर उंगली बाल इवन हेयर तक को मेरे को वाइब्रेशन महसूस होती है, मैं म्यूज़िक को महसूस कर सकती हूँ। ऐसे ही ये ज़ाइलोफोन ये जल तरंग बजाती है, वाइब्रेशन होती है। तो कहती है मुझे फुट टो से लेके मेरे लेग तक मुझे वाइब्रेशन महसूस होती है, इवन माई हेयर आर ऑल्सो वाइब्रेट, कि मेरे हेयर भी महसूस कर सकते हैं कि वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है, तो ये क्या करती थी, जैसे वुडन प्लेटफॉर्म होता था, लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता था जहाँ म्यूज़िक के प्रोग्राम्स होते थे, तो वहाँ ये अपने शूज़ उतार के जाती थी। इसका इसके पीछे एक कारण ये था कि वो पैरों से वाइब्रेशन जो होती थी शूज़ पहनने पर वो नहीं पता चलती थी, पर अगर वो बिना शूज़ के जाती थी तो उसको वो वाइब्रेशन पैरों से लेके उसके लेग तक, उसके टांगों तक, वो पूरी म्यूज़िक की वाइब्रेशन उसे पता चलती थी, और उसने उस म्यूज़िक को उसी वाइब्रेशन के आधार पर ही वो म्यूज़िक में इतना आगे पहुंची। नॉट सरप्राइजिंगली एल्विन डिलाइट्स हर ऑडियंस इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद हर रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी प्रेजेंटिस सॉलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड शेज मास्टर प्रिक्योनिस्ट जेम्स ब्लेड गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही वॉज गिव हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वॉट वी हियर शी फील फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस दैट इज वाइज शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। तो बेटा इसको 1991 में इनको म्यूज़िक का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है उसको देने के लिए एकल मतलब अकेले इनको चुना गया वो अवार्ड देने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर जो सबसे बड़े तबला वादक थे उन्होंने क्या बोला कि भगवान ने इनकी सुनने की शक्ति तो छीन ली है, पर भगवान ने कई असाधारण चीज़ों के साथ इसको पैदा किया है जिससे ये चीज़ों को महसूस कर सकती हैं, और ये अपनी इसी महसूस करने अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ये म्यूज़िक को इतना सुंदर एक्सप्रेस करती हैं, ये म्यूज़िक को इतना सुंदर लेके आई हैं और इतना अच्छा म्यूज़िक के क्षेत्र में ये काम कर रही हैं, ये भगवान की ही देन है। एल्विन कन्फेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ द वर्कहॉलिक, एल्विन ने ये कन्फेस किया कि वो वर्कहॉलिक होता है, मेहनती वर्कहॉलिक होता है, जो भी काम दिया गया हो या जो भी काम आपको करना हो उसे पूरी लगन से लग जाइए, मेहनत करिए, मेहनती होता है। आई हैव जस्ट गॉट टू गो टू वर्क ऑफ्टन हार्डर एंड क्लासिकल म्यूजिशियन बट शी रिवॉर्ड हर एनॉर्मस अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट। एल्विन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन अ प्रेजेंस एंड हॉस्पिटल, शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रियोरिटी टू क्लासेज ऑफ द यंग्स म्यूजिशियन एंड रिथलिंग ऑफ द बिथोवन फाउंड फॉर डेफ चिल्ड्रन से शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन दे शी दैट देयर इज नाउ वेयर, इंस्पिरेशन होता है प्रेरणा। तो बेटा एल्विन ने ये कन्फेस किया कि वो बहुत मेहनती हैं, तो उन्होंने ये भी बोला कि नॉर्मल जो म्यूजिशियन होते हैं जो सुन सकते हैं देख सकते हैं उनसे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी चीज़ को, अपने म्यूज़िक को प्रेजेंट करने के लिए, पर मैं वो करती हूँ लगातार, तब तक लगी रहती हूँ जब तक वो परफेक्ट नहीं होता। तो एल्विन बेटा जो एल्विन ग्लेनी थी उन्होंने यंगस्टर्स को वो पहले मौका देती थी म्यूज़िक के क्षेत्र में, और इसने कैदी जो प्रिजनर होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, और भी कई सामाजिक संस्थाओं में इसने अपने म्यूज़िक को प्रेजेंट किया है, म्यूज़िक वहाँ पर अपने मतलब प्रोग्राम किए हैं, म्यूज़िक प्रोग्राम किए हैं जो कि चैरिटी के लिए होते हैं, इन्होंने किए हैं। और ये डेफ लोगों के लिए जो सुन नहीं सकते या जो थोड़े से अनेबल लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, उनके लिए ये एक प्रेरणा है। एल्विन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, शी हैज़ ब्रॉट प्रिक्यूजन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given an enormous pleasure of 2 million. So, beta Elvin Glennie hai jo wo
ऐसे लोगों में हैं जो जिसको देख के इसके जैसे लोग हैं वो भी प्रेरणा उनको मिलती है और वो भी लोग आगे आने की कोशिश करते हैं, वो भी लोग म्यूज़िक में वो भी लोग सोच सकते हैं कि हाँ म्यूज़िक में मैं कुछ कर सकता हूँ। एल्विन ग्रेनी ऐसी लड़की थी जिन्होंने ऑर्केस्ट्रा के थ्रू म्यूज़िक को एक नया नाम दिया। और जो हैंडीकेप्ड हैं, पीपल हैं, वो सब इसको देख के प्रेरणा लेते हैं, ये काफ़ी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।